हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू येट अनदर व्लॉग ऑफ स्मृति कॉल एंटरटेनमेंट। एंड आई होप कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी रही होगी और मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। अभी मैं हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे थोड़ा सा काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है? मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रहे हैं और थोड़ा सा भी तो सफाई वगैरह चल रही, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। तो सोचा थोड़ा सा, क्योंकि आपने फर्स्ट फ्लोर इतना देखा नहीं, अभी इधर अंधेरा, एक मिनट लाइट जलाती हूँ। तो ये ऊपर वाला एक बेडरूम है, एक में तो कुछ पढ़ाई कर रहा है अभी, तो ये एक है। तो यहाँ पे ये बेड है और ये मैं हूँ इस बेडरूम में। और ये हमारे, मेरा फेवरेट फेवरेट टेडी है। तो आई होप कल आपका करवा चौथ सबका अच्छे से गया होगा, क्योंकि कल करवा चौथ था। और मैंने सुना है कि दिल्ली में चांद पता नहीं लेट निकला है या फिर निकला नहीं है, या क्लाउडी था, पता नहीं। मेरे पूरी न्यूज़ तो नहीं पता मुझे, पर कुछ ऐसे सुनने में तो आया है कि चांद का कुछ इशू हुआ। मैंने सुबह कुछ उस पर देखा था, यूट्यूब पे देखा था, थोड़ा सा ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा था। पूरा डिटेल में तो नहीं पता मुझे कि क्या रीज़न क्या था, क्या हुआ था एक्चुअली। मैंने अभी स्वेटर डाल ली है यार, मुझे टी शर्ट में घूम रही थी बट ठंड लग रही है, ठंड लगने लगी तो मैंने फटाफट से स्वेटर डाली। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी, मतलब दिन को अभी धूप निकली है बाहर। अभी आपको दिखाती हूँ छत पे, अभी ले जाती हूँ आपको छत पे भी। तो धूप तो निकली है, लेकिन धूप निकले हुए भी बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब बहुत चिलिंग सी हवा चल रही है। क्योंकि यहाँ पे मतलब जो हिल्स वगैरह हैं हमारे कश्मीर में, गुलमर्ग में, और हमारे यहाँ पे जम्मू के पास जो पटनी टॉप पड़ता है, वहाँ पे भी बर्फ़ वगैरह पड़ चुकी है, स्नोफॉल हो गई है। तो वहाँ पे ये हिल्स क्योंकि पास में ही है, वहाँ से भी ठंडी हवा आती है, तो मौसम पूरा ही ठंडा हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हवाएं आती है, और यहाँ पे पास में ही हमारे बिल्कुल पास पास ही हिल्स हैं, तो बहुत बहुत ठंडी हो जाती है यहाँ पे। तो ये आ गई हूँ मैं अपने छत पे। ये छत पे इस टाइम धूप निकली हुई है अच्छी अच्छी यहाँ पे चेयर्स रखी हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये पीछे से आप देख सकते हैं, अभी आपको फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगी। ये रूम की एंट्रेंस है, यहाँ से आप देख सकते हैं मेन रोड है। ये पीछे गेट दिख रहा है आपको, ये हमारे ही घर का मेन गेट है जो पीछे आपको दिख रहा है। ये यहाँ से पीछे आपको दिखाती हूँ, ये पूरा पीछे नेबर है। तो ये कुछ व्यू है हमारे छत से। तो ये आपको मैं अब सही में व्यू दिखाती हूँ, जो मतलब एक्चुअल व्यू है ये छत से। ये देखिए, ये रोड जाती है इधर से ऊपर को, बहुत ब्रॉड रोड है ये, ऐसे जाती है। ये हमारे साथ वाला प्लॉट खाली है, ये हमारे घर का ही है व्यू। नीचे आप देखेंगे तो, ये ऊपर से आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से ये नीचे का व्यू है, गार्डन, गाड़ी, दरवाज़ा। ये छत है, ये फर्स्ट फ्लोर का छत है, ये ऊपर सेकंड फ्लोर, मतलब सेकंड फ्लोर का छत है, छत ही है ये ऊपर। तो ये आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये मेन रोड आ जाती है, ये यहाँ पे बाकी हमारे छत से ये कुछ ऐसा व्यू दिखता है। एंड दिस इज ऑल, यही सारा व्यू है। आज तो लंच में आज मम्मा पापा जा रहे हैं, एक मम्मा पापा बच्चे भी जा रहे हैं, आज एक मैरिज है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। बोल तो रहे हैं मुझे चलने के लिए, बट मैं मैरिज, मैं सोशल गैदरिंग्स में कम ही जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं जा रही हूँ। वो लोग जाएंगे और बच्चे भी जाएंगे, मम्मा पापा भी जाएंगे, तो मैं देख लूँगी कुछ लंच में क्या बनाऊँगी, आप सबको बताऊँगी। मम्मा पापा तो बच्चे भी गए हुए हैं, मैंने आपको बताया था मैरिज पे जाना है, वो लोग तो वहाँ गए हैं। तो मैंने अभी मटर आलू बनाया था मम्मा ने, तो वो और थोड़ा सा राइस खा लिया है, पेट भर गया, अपना नींद आ रही है। क्योंकि विंटर्स में ना ये होता है, सबके साथ होता है कि ना विंटर्स में ना नींद बहुत आती है, तो मुझे नींद आ रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे, फिर चाय वगैरह का होगा, 5 साढ़े 5 चाय पीते हैं। तो तब आपसे मिलती हूँ, फिर से कंटिन्यू करती हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे भी थोड़ी सी डिजीनेस हो रही है, मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, आप लोग भी अपना आराम कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों में अभी लंच, कुछ तो लंच कर रहे होंगे, आप लंच कर लीजिए और फिर थोड़ा सा रेस्ट आप लोग भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपको शाम को।
ये गलत कर रहा है किससे कर रही है माँ। जो काम हो गया इसका अभी सुन रहे हैं राग इसकी। सुना दे थोड़ा सा फिर कुछ, थोड़ा सा कुछ सुना दे अभी जो गा रहा था। इसको नहीं, क्या हमारे हुआ है? नहीं, नहीं इसको क्या हुआ है? इसको क्या हुआ है? तो ऐसे ना ये हुआ ठीक है, सर्विस करवानी होती है उसकी, जो नहीं कहते उसको। सालों से तो एक ही चल रहा था ना, वो तो अब जाके नहीं आ रहा उसने। मैं तो वही तो जब वो सालों से चला गया हमने। अच्छा चल वो भी बंद कर, बड़ा किया वही आज हम सिखाते हैं। अच्छी बात है। कौन सिखा रहा है आपको? नहीं नहीं अच्छी बात है, अब सीख गया है ना बेटा। कहते हैं सीखने की उम्र नहीं होती बेटे, इसको 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 ये नहीं करे ऐसे घुमाने। बाबा से सीखूंगा छोटा मुंह वाला। वो कवर कवर उधर है बेटा। बकवास कर रहा है। बाबा से सीखेंगे बड़े मुंह वाला चम्मच देखना चाहिए, खुल जाना चाहिए। पहले छोटे से ही खाया, अब बड़ा चम्मच खा रहा हूं। हां छोटे क्या, छोटे से भी छोटा। तो इमेज लेना चाहिए इसमें। क्या इतना सा चमचा क्या? जब ना डॉक्टर ने बोला इसको कंटिन्यूअसली 72 आवर्स के लिए एक एक ड्रॉप डालते जाओ,
बाबा को, अच्छा इसको बाबा को गला नहीं बंद था वो, अच्छा अच्छा आपने, हाँ 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 तो इसका गला जब हम वाई गुरु वो ये वो बाहर के कर रहे थे तो डॉक्टर आया बोला अभी आप ये 72 आवर्स फैन बंद फैन बंद कॉर्डनी की वही ना चुम फैन को मत ना चुम क्या कर रही है शीन कुछ तो कर रही है पेपर हो गया तैयार प्रिपरेशन कितना ही है थोड़ा है एक घंटे का सिर्फ हाँ तो करो चाऊ मम्मी ये क्या था कम बड़ी कम कम बड़ी कम कम बड़ी कम बड़ी हाँ वो आजकल आया ना नया ये रील कम बड़ी तो हम लोग कर चुके हैं अपना डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी बीच में थोड़ा सा हम बिज़ी हो गए थे थोड़ा सा विंटर्स के कपड़े वगैरह का कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा होता है विंटर्स आती हैं तो फिर यहाँ पे कपड़े थोड़े से मोटे चाहिए होते हैं स्वेटर्स वगैरह ये वो तो गर्मियों के अंदर सर्दियों के बाहर वो सब कुछ कर रहे थे तो थोड़ा बिज़ी रहे और अभी कल का मैच को लेके बड़े ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है कल का मैच ठीक है इट्स अ गेम यार हाँ कोई मतलब ठीक है एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा ही बट इसमें जिसने अच्छा खेला जिसने ज़्यादा एफर्ट्स डाले वो जीत गया जिसने जिसकी थोड़ी सी कमी रह गई वो हार गया तो आई थिंक इसमें इतना बड़ा इशू बनाने वाली कोई बात तो है नहीं तो इट्स ओके हार जीत लगी रहती है गेम है मुझे लगता है कि शायद टीम स्पिरिट रखना चाहिए और अभी हारी है आगे जीत जाएगी इसमें क्या है तो उसके बाद जो कश्मीर में हुआ हमारी स्टेट में ही जो हुआ कि पाकिस्तान के जीतने के बाद वहाँ नेशनल एंथम पाकिस्तान का गाया गया और क्रैकर्स बहुत सारे जलाए गए वो ये तो उन पे तो आज अमित शाह क्योंकि हमारे स्टेट के उस पे आए हुए हैं राउंड पे आए हैं एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जो यहाँ पे जो भी कल्प्रिट्स हैं या फिर जो भी सस्पेक्ट्स हैं जो पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये कल काम किया था कि एंटी नेशनल एक्टिविटी बिकॉज सिंगिंग सम अदर्स नॉट सिंगिंग आई विल से मेकिंग एंटी नेशनल स्लोगन्स और डूइंग एनीथिंग दैट इज़ एंटी नेशनल इज़ अ क्राइम बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ द कंट्री तो वो तो एक क्राइम है तो उसके लिए जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है एंड आई एम सीरियसली आई एम हैप्पी फॉर दिस थिंग कि वो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं सब ऐसे नहीं होते कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट जिस चीज़ से फैसिलिटेट करती है हमारे स्टेट को वो कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी उनको कोई पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा अगर दिया ऑलरेडी है उनके पास तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चलती है या गवर्नमेंट जॉब्स उनको नहीं मिलेंगी और बहुत सारी जो भी अभी इसमें डिटेल में मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी कि एक्चुअली और क्या क्या चीज़ें हैं बट जहाँ तक मैंने पढ़ा यही था कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी उनको पासपोर्ट्स नहीं मिलेंगे उनको गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी एनरोल होगी विद इन द स्टेट उनको कुछ भी किसी भी चीज़ से ऐसे फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा और ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो लोग और ऐसे ही लोग पूरी स्टेट में आई विल से बहुत बहुत नेगेटिव इमेज छोड़ते हैं और जो लोग अच्छे भी होते हैं उनको भी इनकी वजह इन जैसे लोगों की वजह से सफ़र करना पड़ता है तो everyone is not same but there are some I will say notorious people in every community तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और यार जितनी पॉजिटिविटी आप फैला सको फैलाओ ज़िंदगी बहुत छोटी है ये ऐसा कुछ ये रिलीजन के पीछे रीजन के पीछे इन सब चीज़ों में मत पड़ो अपनी ज़िंदगी जियो दूसरे को भी जीने दो सो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन एट योर प्लेसेस एंड आई होप आपने आपका दिन जो है बहुत अच्छा गया होगा तो इसी के साथ अब एंडिंग करती हूँ आपसे कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे सेफ स्टे हाइड्रेटेड स्टे हेल्दी एंड डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो प्लीज़ अपने क्लोथ्स प्रॉपर पहनिए और बाहर ज़्यादा मत निकलिए क्योंकि पता नहीं क्या ही हो गया पहले एक चीज़ फिर करोना अब डेंगू अब कोई और भी फ्लू आ गया है तो इट्स सीरियसली
डिप्रेसिंग. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए. सो बाय बाय, लव एंड पीस, जय माता दी एंड बाय. कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए.